नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायसु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज के भगवद गीता की कक्षा में सभी श्रोताओं को स्वागत है, और विशेष करके आज हम भगवद गीता के 18वां अध्याय के श्लोक संख्या 4 का पर चर्चा करेंगे। तो श्लोक इसी प्रकार है कि श्लोक को दोहराएंगे और उसके बाद अनुवाद तप्तरी मेरे साथ में दोहराएगा प्लीज। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्ततः। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमः त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्ततः। निश्चयं शृणु मे तत्र त्याग भरत सत्तम त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्ततः। दोहराएंगे कोई? निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधं संप्रकीर्तितः। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागो भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्ततः। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्ततः
संप्रकीर्ततः। त्यागो हि पुरुषः त्यागो हि पुरुषः व्याघ्रः त्रिविधा संप्रकीर्ततः। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागो हि पुरुषं व्याघ्र त्रिविधः संप्रकृतितः। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागो भरत सप्तमः। त्यागो हि पुरुषं व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्ततः। शब्दार्थ अनुवाद तथा तत्पर श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की मेरे साथ में दोहराई कृपया करके। निश्चय को श्रुणो सुनो मैं मेरे तत्र वहाँ त्यागे त्याग के विषय में भरत सत्तम हे भरत श्रेष्ठ त्याग ही निश्चय ही पुरुष व्याघ्र हे मनुष्य में बाघ त्रिविधा तीन प्रकार का संप्रकृतः घोषित किया जाता है। अनुवाद हे भरत श्रेष्ठ अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नर श्रद्धालु हे नर साधुल शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है। कृपया मेरे साथ में दोहराए हे भरत श्रेष्ठ अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नर शार्दूल शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है। तात्पर्य यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत है लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। निस्संदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान नियम है वहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित है अतएव उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के तीन गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। ओम अज्ञानाय तिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सुपदंतिकम्। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुवैष्णवाश्रम श्रीरूपम साग्रजातम सगण रघुनाथानितम तम सजीवम सावधीतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्रीराधा कृष्णपादानि सगण ललिता श्री विशाखानि तम सजीवम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यं वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो ये 18वां जो अध्याय है, उपसंहार सन्यास की सिद्धि का ऊपर ये भगवान ने एकदम पूरा लास्ट चांस दे देते, बता देते। जिस प्रकार कोई पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट मान लो, और उसका जीवन का सच्चाई अभी क्या करता है, डॉक्टर को बता देता है अभी कितना टाइम उसके पास बचा है, तो जो भी कार्य उसको करना है अभी क्या करना है, मन इच्छा को उसको शीघ्र करने के लिए अभी रिश्तेदार लोग भी आते जाते हैं और बोलते कि जल्द से जल्द अपना जो जो इच्छा है उसको पूरा करने को बोलते हैं। इसी प्रकार भगवान यहाँ पर कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। फाइनल चांस है, तो फाइनल कर रहे अभी। हे नर सदाल, शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है। शास्त्र में ये जो त्याग को तीन तरह के, कौन से त्याग होता है, रजोगुणी त्याग, सत्वगुणी त्याग और तमोगुणी त्याग। कोई कोई कहते हैं ना, हमने त्याग किए हैं, हम सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। हाँ, क्या छोड़ लोगे? सांस लेना छोड़ दोगे? खाना छोड़ दोगे? क्या छोड़ोगे? हाँ, ध्रुव महाराज तो ऐसा तपस्या किए थे कि आहार, निद्रा, जल पीना, यहाँ तक कि सांस लेना भी बंद कर दिए। क्या ऐसा हम छोड़ सकते हैं क्या? तो जो अहंकार बस कहता कि मैं त्याग किया, मैंने इसके ऐसा किया वैसा किया, जो अपने आप को कहता कि मैं त्याग किया, वो कैसा त्याग है? रजोगुणी त्याग है। हाँ, और जो समाज को दिखाता है कि मैं त्याग किया है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे चीज़ों को अपना लेता है, जैसी प्रकार मायावादी सन्यासी देखे रहेंगे कि उनको खाने पीने में रुचि नहीं है, वस्त्र पहनने में रुचि नहीं है, हाँ, कोई भी चीज़ में संसार का रुचि ही नहीं है। क्यों रुचि नहीं है बताओ? हाँ, उनको दिखा दे कि मैं बैराग्य हूँ, त्यागी हूँ, लेकिन एक चीज ऐसे चीज़ को पकड़ लेते कि कोई चीज़ उनको जरूरत नहीं पड़ता है, वो क्या? नशा। देखे रहेंगे कोई कोई ऐसा है मायावती सन्यास क्या है, गांजा भुगते रहते, वो गांजा अगर नशा में रहेगा तो त्यागने का आजू बाजू में क्या चल रहा है उसको पता भी नहीं चलेगा। ये त्याग तमोगुणी त्याग है। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो भगवान के सेवा में, भगवान के नाम में रुचि आ जाता है, तो जो भी भौतिक वस्तुएं भी मिलता है तो क्या करते हो, भगवान के सेवा में लगाता है। वो भगवान के सेवा में जब भी वो लगाता है, भले ही उसका पास रहता है, लेकिन उपयोग किसके लिए कर रहे हो? भगवान के लिए कर रहा है। तो इसको बोलते हैं कि क्या? युक्त वैराग्य। जो युक्त वैराग्य में भगवान का सेवा में, जिसी प्रकार दिख रहे कि ये मंदिर है, ये मंदिर में इतना बड़ा सा झूमर लगा हुआ है, क्यों लगाया गया है यहाँ पर? कि मंदिर का शोभा को बढ़ाने के लिए है, क्या नहीं? क्या कि अभी कोई कोई लोग आएंगे, विग्रह पे जिसको अगर अट्रैक्ट नहीं हो रहे, तो भगवान का भव्य मंदिर को भी देखे कोई कोई अट्रैक्ट हो जाते। अभी जाएंगे उडुपी क्षेत्र में, उडुपी क्षेत्र में जाएंगे तो भगवान विग्रह को इतना अच्छे से दर्शन नहीं कर पाते, फिर भी भगवान के भव्य मंदिर को दर्शन करके वो आनंद हो पाते। तो ये जो मंदिर भी देख रहे हैं ना, ये मंदिर भी साक्षात एक कौन है, बलदेव का एक विस्तार है। ये जो बैठे हैं हम प्रांगण, ये क्या है? साक्षात बलराम का एक विस्तार है। तो आके कोई अगर भगवान के मंदिर को अगर देख के भी थोड़ा सा मन में उत्साह आ गया, श्रद्धा आ गया, तो अवश्य एक दिन ना एक दिन वो क्या होता है, भगवान का प्रति उसका रुचि उत्पन्न हो जाता है। देख सकते हैं कि इतने सारे मार्बल लगाए, बहुत से ऐसा चीज़ें लगाए, ये चीज़ हो सकता था कोई बिल्डिंग में भी लग सकता था, अगर मंदिर का काम में नहीं लगता है तो देखे रहेंगे बड़े बड़े इमारतें, बिल्डिंग, बंगले सब पर क्या है, मार्बल से बना हुआ है, और बड़े बड़े धनी लोग
ऐसो आराम करते, उसमें भोग विलास करते हैं। तो वो भोग विलास करते हैं, वो क्या होता है, वो भौतिक चीजों में लग गया। और वही वस्तु जब भी भगवान का सेवा में यहाँ पर लग जाते हैं, वही हो जाता है आध्यात्मिक। तो कोई कोई बोलते हैं ना, अरे ये लोगों के पास क्या है, इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाते हैं? मंदिर तो छोटे से भी बना सकते हैं ना, हाँ मंदिर छोटे से बनाएंगे बोलेंगे, और भगवान का घर बड़ा, खुद का घर बड़ा बना देंगे, और क्या करेंगे, मैं त्याग क्या हूँ बोल के क्या करेंगे, घर बार क्या करेंगे, अपने परिवारों को छोड़ देंगे कि मेरे परिवार खुश रहे। त्याग कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए त्याग करें, अपने परिवारों के लिए त्याग कर रहे, बलिदान दे रहे। वो ये नहीं कर रहे कि मैं पूरे संपत्ति लेकर अभी भगवान के सेवा में लगा कर मैं भगवान के सेवा में चलूँ, नहीं। जैसा ही वयोवृद्ध हो जाएगा तो क्या करेगा, सब कुछ मैं त्याग कर दिया करके अपने आप को ये बूढ़ा सा शरीर को लेकर अभी क्या बोलेगा, भगवान में आ गया आपके दरबार में। अभी जब भी जवानी समय था तभी एक दिन भी मंदिर में जाने के लिए उसका इच्छा नहीं होता था, ये शर्म का था। अभी सांसारिक कष्ट आया और बुढ़ापे में लोग ताना मारने लगे, तो अभी वो क्या ढूंढ रहा है, अभी शांति ढूंढ रहा है। श्री श्री राधा राजवरी भगवान की गौनिताय की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो सांसारिक चीज़ों से वो इतना पूरा कष्ट होता है उसको कि थोड़ा सा शांति ढूंढता है वो, और शांति ढूंढते थे भगवान का मंदिर में आ जाता है, तो अच्छी बात है। लेकिन क्या है, अगर मन में ये अहंकार आ जाता है कि मैंने ऐसे समय पर भी क्या करूँ, मैं भगवान का भक्ति में लग गया हूँ, मैंने ऐसा किया, इतना दान दिया, ये सब क्या कहते हो, बोलने लगते हो, तो ये क्या होगा, ये राजसिक त्याग है, ये रजोगुणी है। लेकिन जो सत्वगुणी में रहता है, जो विनम्रता है जिसमें, वो क्या करता है, आचार्यों से हमें सीखना चाहिए। हमारे जितने भी आचार्य देखे रहेंगे कि हर भजन में देखिए, वैष्णव गीत में, कि अपने आप को कितने विनम्रतापूर्वक निम्न बताते हैं अपने आप को, स्वयं को। कभी भी अहंकार बस बोले नहीं कि मैं इतना बड़ा हूँ, ये हूँ। हाँ रघुनाथ गोस्वामी, हाँ रघुनाथ गोस्वामी इतने बड़े जमींदार घर के पुत्र थे। हाँ प्रत्येक दिन का उनका घर का जो कर वसूल होता है कितना, 12 लाख स्वर्ण मुद्रा जो उनका प्रत्येक दिन का जो ये था आमदनी था। फिर भी ये सब भौतिक चीज़ों में उतना कोई रुचि नहीं था, वो प्रत्येक दिन क्या ऐसा करते थे, मैं किसी प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आऊँ, हाँ और ये गृह को मैं मुझे त्याग करके भगवान का भक्ति करना है। तो बचपन से ही रघुनाथ गोस्वामी ये सब चीज़ों से दूर रहते थे, हाँ और भगवान के प्रति श्रद्धा देता। और कभी भी उनका जो घर का ऐश्वर्य धन संपत्ति ये सब पे कभी भी उनको अहंकार नहीं था, अपने आप को तुच्छ मानते थे। लेकिन जो भक्त होता है हमेशा क्या है, उसका गुण ये है कि हमेशा अपने आप को तुच्छ मानता है, कभी भी ये अहंकार बस नहीं बोलते मैंने त्याग किया करके। हाँ क्या त्याग है संसार में, बोलिए, भगवान के जितने भी सब चीज़ें दिए हुए उल्टा हमें क्या करें, उसको भोग कर रहे, यहाँ पर उपयोग कर रहे। देखने को जाए तो इस खास करके इस कलयुग में त्याग का तो भावना तो दूर की बात है, लेकिन जो भी वस्तुएं मिलता है वो क्या करते हैं, हमें वो अपने लिए अच्छे से यूज कर लेते हैं। हाँ तो इतना भी हमें ये नहीं होना चाहिए कि बोलेंगे हमारे पूर्व आचार्य तो त्याग किए थे, हम भी अभी क्या करेंगे, उनको नकल करेंगे, तो नकल करेंगे तो हमारा नहीं हो पाएगा। तो जो भी सुविधाएं मिल रहा है उसको क्या करें, उस सुविधा को भगवान के सेवा में किसी प्रकार लगाएं, और हम स्वयं उनको कैसे अपने आप को भगवान के सेवा में लगाएं, तो ये सीखना चाहिए हमें पूर्व आचार्यों से। तो यहाँ पर कहा गया कि तात्पर्य में, यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत है, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं, अंतिम निर्णय क्या देते हैं, 18 अध्याय के 66वां श्लोक में क्या कहते भगवान, सर्वधर्माणि परित्यजे मामेकं शरणं व्रज अहम तम सर्वपापेभ्यं मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
कि तुम सारे धर्मों को परित्याग करो। कौन से धर्म को परित्याग करने के लिए बोलते हैं यहाँ पर? हाँ हाँ क्या बोल रहे? भौतिक। हाँ हाँ, तो जिस प्रकार ये दिख रहे कि अभी धर्म बोलते हैं, धर्म क्या है? वास्तविक धर्म को कहने को जाए तो लोग बोलते कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ये धर्म से हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ मैं अपने पुत्र का धर्म का निभा रहा हूँ, मैं अपने देश का धर्म को निभा रहा हूँ। तो देखने में जाए तो ये सब क्या है, एक जो धर्म का हम जो ऊपर से दिखावा करते हैं, देखने जाए तो इसे क्या है, एकदम बड़ा ये धर्म गौण धर्म है। ये सब मुख्य धर्म क्या है, हमें उसको भूल गए हैं। हाँ, और ये संसार में गौण धर्म ये सब कुछ समय के लिए हमें मिला ही है। जिस प्रकार अभी कोई घर में कोई पुत्र है और बोलेगा मैं अपने पिता का कर्तव्य निभाने के, अभी मैं अपने पिता का सेवा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सब बोलने को मात्र बोलता है, लेकिन वास्तव में वो पुत्र धर्म को नहीं निभा रहा है। क्यों? पुत्र का अर्थ क्या होता है? पुत्र, ये दो शब्द है, पुत्र किसको कहते हैं? पुत्र पुत्रायते पुत्र, पू नामक नरक से जो अपने माता पिता को उद्धार करता है वो होता है वास्तविक पुत्र। पुत्र का अर्थ ये नहीं कि अपने माता पिता को भौतिक सुख देकर, घर वार संसार, हाँ अच्छे से उनको बैंक बैलेंस बना के रखो, हाँ बाहर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में घुमाने के लिए लेके जाओ, मॉल में घुमाने लेके जाओ, पिकनिक में लेके जाओ, ये भौतिक सुख देख के ये पुत्र का धर्म नहीं है। कोई पुत्र अगर घर में एक कोई अगर भगवान के भक्त बनता है तो वो अपने माता पिता तो क्या पूरे 21 पीढ़ी का उद्धार करता है, वो होता है पुत्र का धर्म। हाँ, तो भगवान बोलते सर्वधर्माणि परित्यज मामेकं शरणं व्रज, मेरे शरण में आओ, अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुम मन में कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सारे पापों को हरण करके मैं तुम्हें अपने परम धाम में लेके जाऊंगा। देखते ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, इसे बड़े बड़े सुपरा भगवान के भक्त जो है, जितने भी देखे कि किसी के घर में भी भक्ति करने के लिए कोई सुविधा नहीं था। प्रहलाद महाराज का क्या कंडीशन था, घर का कंडीशन कितना कठिन ही था, फिर भी वो अकेले भक्ति किए तो आसुरी पिता हिरण्यकश्यप जैसे पिता भी उद्धार को हो जाते उनका। हाँ, तो हम तो देखते हैं कि कलयुग में भले ही आसुरी गुण लोगों में रहता है, लेकिन हिरण्यकश्यप जैसे हमारा इतना भी डेंजरस स्थिति नहीं है। देखने जाए तो काफ़ी चीज़ हमें सुविधाएं हैं, इतना भी कठिनाई नहीं आया है, फिर भी हमें क्या बोलते हैं कि हम त्याग नहीं कर पाए। क्या त्याग करेंगे बताओ? हाँ, सनातन गोस्वामी जैसा क्या हमारे पास क्या मंत्री पदवी है हमारे पास? जो सनातन गोस्वामी का पास मंत्री पदवी मिलने के बाद इतने सारे पूरा उनका पास राज कार्य था, लेकिन वो क्या करते थे, कहीं दिनों तक छुट्टी लेकर आकर घर में भागवतम ब्राह्मण को बुलाकर भागवतम सुनते थे बैठकर। हाँ, राजा को पता चला, जाओ देखो सनातन गोस्वामी को क्या हो गया, तो देखेगी वो भागवतम पढ़ रहे, कोई बीमार बीमार कुछ नहीं है, बीमारी का बहाना बनाकर क्या करते थे, भागवतम सुनते थे। लेकिन आजकल क्या करें, बीमारी का बहाना बोलकर लोग बाहर पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, ऑफिस से छुट्टियां लेते हैं तो क्या बोलते हैं, कभी कभी तो बीमारी तो छोड़ो दूसरे अपने घर के लोगों को भी मार देते। हाँ, मेरा ये मर गया वो मर गया करके बहाना बना के लोग बाहर घूमने के लिए भी जाते हैं और पाप कुत्ते कार्य करते हैं। लेकिन भगवान के लिए झूठ बोलना तो ये धर्म है? कोई अगर भगवान के लिए झूठ बोल रहे तो वास्तव में वो वास्तविक धर्म है। सनातन गोस्वामी झूठ किसके लिए बोले? कृष्ण कथा को श्रवण करने के लिए। लेकिन संसारी लोग क्या करते हैं, अपने भौतिक इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए झूठ बोलते हैं। तो ऐसे त्याग का कोई फल नहीं है, जो कि अहंकार बस बोलते हैं कि त्याग क्या है, लेकिन उनके मन में क्या रहता है, हमेशा अहंकार ये रहता है कि मैंने बहुत कुछ त्याग किया है, मैंने कुछ किया है, कुछ नहीं किए, उल्टा हम कृष्ण से ले रहे हैं, कृष्ण को अभी तक हम कुछ दिए नहीं,
हाँ भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। ये मनुष्य जन्म जो मुझे मिला है, मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर, हे नंद किशोर कृष्ण, जो भी ये मनुष्य जन्म मिला है मुझे, घर पर जो भी है, ये सब कुछ मुझे तुझे अर्पण करता हूँ, ये सब मेरा कुछ नहीं है। हाँ भले ही तुम, मैं अगर ये जन्म में भी अगर कोई भक्ति में थोड़ा सा टगमगा जाऊँ, थोड़ा सा कमजोरी आ जाए, अगर तुम्हें पुनः मुझे जन्म देना भी हो तो मुझे बहिर्मुखी ब्रह्मा का वहाँ भी जन्म मत लो, देना ही तो कोई कम से कम भक्त का घर का कीड़ा तो बना दो कम से कम, आचार्यों के मानना है। तो ये नहीं बोलते कि मैं इतना सारा कुछ किया भगवान के लिए, सेवा किया, भक्ति किया, मुझे क्यों ऐसे कठिनाई आता है, कष्ट क्यों आता है। हाँ भक्त का जीवन में अगर कठिनाई आ रहा है तो भक्ति सक्सेस। देखिए पूरे जितने भी भक्त का जो हिस्ट्री देख लीजिए, सारे इतिहास को पूरा देख लीजिए आप, ऐसा कौन से भक्त जो है भक्ति में वो कठिनाई का जो नदी को पार नहीं किया है। सारे भक्त का चरित्र को देख लो आप, हर भक्त का चरित्र में कठिनाई कठिनाई है। कुंती महारानी यहाँ पर कहती है मुझे और कष्ट दो, भक्त उल्टा क्या करे, कष्ट मांग रहे हैं कि ये कष्ट पीड़ा आएगा तो ही मैं आपको स्मरण कर सकता हूँ। लेकिन अभक्त कोई भक्ति में कोमल श्रद्धा है तो ये क्या करता है, कठिनाई आ जाते तो क्या कहते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं, बोले अभी 4-5 साल हो गए मैं इतने नाम जप कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मेरे अंदर ये बीमारी क्यों आता है, मेरे परिवार में कठिनाई क्यों आता है, कष्ट क्यों आता है, ये सब क्या है, एक निम्न स्तर का ये चेतना है। लेकिन भक्त होता है क्या है, एक सोल्जर की तरह होता है, जो देश के लिए लड़ाई करते जो सोल्जर होते हैं, वो जब भी बॉर्डर पर रहते हैं तो शत्रु सेना जब भी उनका ऊपर आक्रमण करता है, उनको गोली लगता ही करता है, क्या वो क्या दुखी हो जाते तभी कि देखो मैं देश के लिए इतना कुछ किया और मुझे गोली लगने के बाद मुझे कोई देखने के लिए अभी तुरंत नहीं आता है, तुरंत नहीं आने कोई आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सामने वाले शत्रु सेना को क्या करना पड़ेगा, उसको उसका उत्तर देना पड़ेगा। तो इसी प्रकार भक्ति में जो आ जाते क्या है, आने के बाद आप बॉर्डर पर खड़े हो, वो माया का एक एक गोली क्या है लगेगा हमें, और ये गोली को सामना करने के लिए हमें प्रस्तुत रहना चाहिए हर समय, और ये गोली चालू होता है हमारे माइंड से, पहला गोली लगेगा हमारे कहाँ पर, ये दिमाग में लगेगा, सामने वाला दुश्मन मारेगा तो अरे कृष्णा थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, थोड़ा सा शांत बैठिए, सुनिए थोड़ा सा। तो शत्रु सेना देखता है कि सामने से अगर विपक्ष सेना खड़ा है, पहला बाण चला गया तो कहाँ पर चलाएगा, ऐसा पॉइंट पे चलाएगा जहाँ पर वो उसका कमजोरी हो। तो इसी प्रकार माया देवी भी हमें अगर आक्रमण करेगी तो कहाँ पर पहले आक्रमण करेगी, अपने दिमाग पर, पहले दिमाग को भटकाएगी वो, मन को, कि वास्तविक से कमजोरी क्या है। और हर जीव का अंदर कुछ ना कुछ एक कमजोरी रहता ही है, और वो कमजोरी लूज पॉइंट को जब भी वो पकड़ लेती है और उसको एकदम बड़ा बारंबार उसको बार करती है, तो हमें क्या लगता है, ये पुराना कठिनाई फिर से मेरे जीवन में भक्ति करने के बाद भी क्यों आ रहा है, ये मैंने इतना कुछ त्याग किया, ऐसा कुछ किया, ऐसा किया, फिर भी मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये हमारा मन का भ्रम है, तब तक हम कुछ त्याग नहीं किए, उल्टा पकड़ के रखे, कितना कुछ भी कर लेंगे लेकिन ये सब चीज़ें अगर अंदर से गया नहीं तो ये सारे चीज़ों को हम अभी भी पकड़ के ही रखे, और जब तक ये सब चीज़ों को छोड़े नहीं तब तक कुछ नहीं त्याग किए। कौन से धर्म को त्याग किया हम लोग, हाँ सारे देह देहात्म बुद्धि में अभी भी हम लोग पड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ों का जब तक हमारा अंदर रहेगा तब तक हम टकमगाते रहेंगे, तब तक हमारे ये सब अंदर शुद्धिकरण शीघ्र अतिशीघ्र नहीं हो पाता है। जिस प्रकार देखे रहेंगे कुआं होता है, कुएं में
पानी भरते जाएगा और कुआं से पानी कोई निकल नहीं रहा है और पानी क्या हो रहा है अपना भरते ही जा रहे है। तो पानी क्या होता है एक दिन क्या होता है वो अंदर दूषित हो जाता है, होता है क्या नहीं दूषित? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सूर्य किरण नहीं गिर रहा, कोई पानी नहीं निकल रहे। इसी प्रकार हमारा अंदर जो ये मन का जो सांसारिक वासना ये सब चीज़ें जो अंदर जो रहता है, ये सब चीज़ों को हम अगर निकाल कर बाहर फेंकेंगे नहीं तब तक ये शुद्धता नहीं आएगा। इसी प्रकार जो कुआँ होता है, कुएँ से जो गंदा पानी जब तक निकालेंगे नहीं तब तक पानी क्या होता है पूरी तरफ से हाँ शुद्ध नहीं होता है। और पानी को शुद्ध करना है तो क्या करना चाहिए, पहले के जो पुराना पानी को गंदा पानी को बाहर निकाल कर हमें फेंकना पड़ेगा। इसी प्रकार अनेक जन्मों से हमारा अंदर जो है ऐसा मद मोह लोभ मात्सर्य ये सब क्या है कुट कुट के भरा हुआ है, तो ये सब को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भगवान का सेवा में सदा तत्पर लगा रहना चाहिए हमें। हाँ बीच बीच में हमें ये नहीं मन में ये विचार नहीं लाना चाहिए कि ये मेरे ही साथ में क्यों हुआ है, मैं इतने दिन से किया फिर भी मेरे में बदलाव क्यों नहीं आता है, बदलाव क्यों नहीं आता ये भाव ठीक है, लेकिन बदलाव नहीं आता चलो छोड़ दो ये ठीक नहीं। जिसी प्रकार कोई पेशेंट है, डॉक्टर ने उसको दवाई दे दिया इंजेक्शन दे दिया, लेकिन क्या बोलेगा उसको कोर्स करना है दवाई का कोर्स कम से कम 6 महीने या 8 महीना। टीवी का पेशेंट होता है ना, कितने महीने का उसका कोर्स होता है दवाई का? हाँ 6 महीने का कोर्स रहता है। उसको डॉक्टर ने दे दिया कि 6 महीने का दवाई दे दिया, और उसने क्या करेगा बोलेगा अभी 1 महीना हो गया मैंने दवाई खा रहा हूँ अभी भी मेरा बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। 1 महीना मतलब उसको बहुत ही बोरिंग लग रहा है, मैं इतना दवाई खा लिया 1 महीना हो गया फिर भी मेरा बीमारी ठीक नहीं होता है। लेकिन डॉक्टर ने तो बोला आपको कम से कम 6 महीने का डोज लेना पड़ेगा, लेकिन ये 1 महीने में बोरिंग हो गया। वैसा ही सोचिए हमें सबसे बड़ा बीमारी हुआ है, और वो कौन सा बीमारी है? भवरोग। और ये भवरोग जो है हमें कई दिनों से है, पता है आपको? पिछले 84 लाख योनियों से हमें ये बीमारी पकड़ा हुआ है, आजकल का बीमारी नहीं है, ये बहुत बड़ा डेंजर बीमारी है। और ये डेंजर बीमारी को ठीक करने के लिए ये सांसारिक कोई छोटे मोटे डॉक्टर से नहीं होने वाला है, इसके लिए भगवान बोलते हैं कि ये भवरों को अगर ये लोगों का ठीक करना है तो इस कलयुग में मैं स्वयं आता हूँ। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं इस कलयुग में और क्या कहते हैं, ए नेची औषधि माया नासी बार लागी हरि नाम महामंत्र लो तुमी मागी। मैं ये औषधि लाया हूँ, एने ची औषधि माया नसीबर लगे, ये माया रूपी तुम्हारा अंदर जो बीमारी है ना उसको नाश करने के लिए मैं क्या लाया हूँ, औषधि लाया हूँ, हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मांगे। और वो क्या औषध है? हरि नाम महामंत्र ले लो फ्री। अभी देखते हैं ना, अभी कोई कोई बड़े बीमारी होता है वो बीमारी के लिए काफ़ी पैसा खर्च होता है, और पैसा खर्च होने के नाते कोई कोई गरीब व्यक्ति रहता है कि वो बीमारी का इलाज नहीं कर पाते। तो कोई कोई हॉस्पिटलों में डॉक्टर लोग और कोई कोई संस्था ऐसा क्या करते हैं, वो ऐसे लोगों को फ्री ट्रीटमेंट देने के लिए सुविधाएं करते हैं कि पता है ये गरीब लोग हैं ये बीमारी को ठीक नहीं कर पाएंगे, तो क्या करते हैं उनको सुविधाएं दे देते हैं। तो इसी प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु भी क्या करते, बोलते कि एक कलयुग में जो जीव है इतने पूरा आलसी लोग हैं कि भगवान का भक्ति अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो उनको कुछ इजी करना पड़ेगा, तो आसान चीज देना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते, अभी घरे घरे गिया हरि नाम दिया, घर घर जाके हरि नाम दे रही है, हा? तो जबरदस्ती देते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु जाते ही देखते कि धोबी घाट में क्या कर रहे हैं, अपना कपड़ा धो रहा है, और जोर से उसको धोबी फटका मार रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु देखे बेचारा इतने कड़क धूप में दिन भर क्या लगा है, एक कपड़ा धोने में लगा हुआ है। तो महाप्रभु उसको ऊपर कृपा करते हैं और क्या करते हैं, बोलते हैं अरे रजक भाई थोड़ा सा एक बार तो हरि का नाम तो ले लो। तो वो क्या करते, गुस्से से देखते बोले हटो यहाँ से, दिन भर आया नहीं पकाने के लिए, मुझे कहाँ से आ गया ये, मेरा काम इतना पड़ा है, और बोलते हैं हरि नाम लो,
मैं अगर हरि नाम लूंगा तो ये मेरा काम हो जाएगा क्या? तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अरे भाई तेरा कपड़ा मैं धो लूंगा, लेकिन तू एक बार हरि का नाम तो ले ले। तो उसको आता है क्रोध और चैतन्य महाप्रभु का ऊपर हाथ उठा दे, और जैसे ही टच होता है पूरा करंट डाउनलोड हो जाता है उस पर, उसको करंट लग जाता है, वो तुरंत क्या करते हैं, हरी 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 करके वो नाचने लगता है। तो महाप्रभु गए, थोड़ा सा टच हुआ, सीधा ट्रांसफर हरि नाम। अभी हम इसको नकल नहीं कर सकते, महाप्रभु ने किया, हम भी जाके दूसरे को टच कर देंगे तो हरि नाम ट्रांसफर हो जाएगा। तो साक्षात भगवान जब आते हैं ये सब क्या करते हैं, स्पेशल औषधि लोगों को दे देते हैं। हाँ, और ये टच करते ही वो हरी हरी गाने लगा। तो वो जब नाच रहा था तभी उसका पत्नी आया, और पत्नी बोली, अरे ये दोपहर का समय मैं इसके लिए खाना लेके आया हूँ, और ये नदी का बीचों बीच क्या कर रहे हैं, इतने कड़क धूप में ये नाच रहा है। तो उसका पत्नी क्या की, उसको पकड़ के हिलाने के लिए, सॉरी पकड़ के हिलाने नहीं, वो जाके गाँव वाले को बुलाई, देखो मेरे पति को क्या हो गया, वो उसको भूत पकड़ लिया है और नदी का बीचों बीच वो क्या कर रहे हो, नाच रहे कूद रहे अपना कपड़ा छोड़कर। तो गाँव वाले गए उसको पकड़ के मारने के लिए, जैसे ही पकड़े भूत समझ के उसको मारने के लिए गए तो सब चिपक गए एक दूसरे को, और सब लोग पूरा नदी के बीच में क्या चिल्लाए, हरी 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 हरी। तो सब लोग पूरे नदी भर में पूरा हरी 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 नाम ही हो रहा है। तो उसको पत्नी को फिर से चिंता हो जाता है, बोलता है ये लोगों से कुछ नहीं होने वाला है, कोई अच्छे से जो ओझा झाड़ फूँक करने वाले को बुलाना पड़ेगा अभी। तो जाता है, जाके गांव के एक वृद्ध व्यक्ति को बुलाता है कि देखो मेरे पति को कुछ हो गया है, लगता है वो पेड़ का वहाँ पर कोई भूत रहता है और दोपहर के समय उसको पकड़ लिया, और वही भूत जो क्या है पूरे गांव वाले के अंदर प्रवेश कर लिया, और हर कोई हरी 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 कर रहे, तो जाके कुछ करो आप। तो वहाँ पर देखते हैं वो वृद्ध व्यक्ति बोलते कि सबका लक्षण देख के उनको समझ में आता है, जरूर ये निमय पंडित का कार्य है। तो पूछते यहाँ पर इससे पहले कौन आया था, ना निमय पंडित आया था। बोलता है तेरे पति को कोई भूत भीत नहीं पकड़ा है, कौन पकड़ा जानते हो तुम, कोई भूत नहीं, नंद का सूत पकड़ा है उसको, हरी 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 श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की, श्री श्री राधा राजवारी भगवान की, श्री श्री गौनिताय की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, निताय गौर प्रेमानंदे।